कब्जा ग्रुप के सरगना की सिफारिश क्यों की? एमएनए करामत खोकर सुप्रीम कोर्ट में पेश। तहरीक इंसाफ ने कब से बदमाशी शुरू कर दी? क्या लोगों ने इसलिए वोट दिए? नया पाकिस्तान बदमाशों की पैरवी करके बनाने चले हैं। इल्जाम साबित हो गया तो बतौर एमएनए वापस नहीं जाओगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मंशा खोकर उस बम को नहीं जानता, एसपी को नहीं डीआईजी को फोन किया था। करामत खोकर का बयान, चीफ जस्टिस ने डीआईजी को भी बुला लिया। लाहौर के कब्जा ग्रुप का सुप्रीम कोर्ट में तस्करा, कौन है ये मंशा बम? चीफ जस्टिस का समाअत के दौरान इस्तफसार। जौहर टाउन का बड़ा कब्जा ग्रुप है, एसपी का जवाब। चीफ जस्टिस का मंशा अली खोकर की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। एमपीए नदीम अब्बास बारा ने अदालत में रोना शुरू कर दिया, बाहर बदमाशी करते हो अंदर रोते हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, गलती साबित हो गई तो इस्तीफा दे दूंगा। एमपीए का बयान, तुम पहले ही इस्तीफा दे दो, तुम लोगों में इतनी जरूरत ही नहीं कि इस्तीफा दो। चीफ जस्टिस के रिमार्क। लाहौर में 22 पेट्रोल पंपों की नीलामी के केस की समाप्त। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कारी सरकार में मुदाखलत करने वाले पेट्रोल पंप्स को सील करके नीलाम करने का हुक्म। कब्जा माफिया की वजह से नीलामी में मुश्किल है, डीजीएलडी आमना इमरान का मौके। मॉडल टाउन केस के ट्रायल का मामला, चीफ जस्टिस ने इंतजादे दहशतगर्दी अदालत से रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूला खातून की बेटी बिस्मा और करम नवाज गंडापुर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस का नेशनल अस्पताल का दौरा, कमरे का कितना किराया है? चीफ जस्टिस का खातून से इस्तफसार, 50,000 रुपए है, खातून का जवाब। चीफ जस्टिस बोले, फिर तो महीने का खर्च लाखों का बनता है। डायरेक्टर एडमन का नाम ईसीएल में शामिल करने का हो। हमीद लतीफ अस्पताल के खिलाफ केस की समाअत, अस्पताल ने कानून की खिलाफ वर्जी की, डीजीआरडीए का जवाब। अगर कानूनी तामीरात में स्मार कर दें, चीफ जस्टिस का हुक्म। रेट लिस्ट में कमी और गरीबों के लिए बेड मुख्तस कर दिए, राशिद लतीफ का बयान। खुदा का वास्ता है, लोगों का ख्याल करें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एफआईए को सर्विसेज अस्पताल में लिफ्ट के गैर फाल होने की तहकीकात का हुक्म। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के खिलाफ अस्खुद नोटिस की समाप्त। सुप्रीम कोर्ट का एफआईए को रायबन रोड पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। मयार को पूरा न उतरने वाली यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जाएगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद की शिरकत। हुकूमती कारकर्दगी पर तबादला ख्याल, वज़ीर आज़म की आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा, आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। जब नवाज शरीफ साहब ने ये इक्तदार छोड़ा तो अपने 5 सालों में उन्होंने ये कर्जा 28,000 करोड़ रुपया यानी 28 ट्रिलियन के करीब कर दिया। इसको हमने बहसियत सोसाइटी एक्सेप्ट कर लिया था। मिडिल क्लास मुतमईन नहीं है, हमारे जो मौजूदा सेहत का निज़ाम है, हमारा जो स्कूलों का निज़ाम है, मिडिल क्लास इससे मुतमईन नहीं है। लिहाजा हमारी जो तमाम तर जदोजहद है वो इस सिस्टम को बदलने के ऊपर है। नवाज शरीफ गए तो मुल्क पर कर्जा 28,000 करोड़ रुपए था। बहसीत कौम, हमने करप्शन को तस्लीम कर लिया था। इमरान खान एक नजरिया बनकर उभरे हैं, मुल्क की मिडिल क्लास हमारी सियासत का महवर है। तहरीक इंसाफ की जदोजहद सिस्टम को बदलने के लिए है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लाहौर में तकरीब से खिताब। सिंध के फंड्स की कटौती पर वजीर आला मुराद अली शाह की विफाक पर तनकीद, एफपीआर को टैक्स चोर करार दे दिया। वजीर आला अपनी हुकूमत के कारनामों का तस्करा करते रहे, ऑपोजिशन अरकान पर भी लफ्जी वार। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी अमूर पर तबादले ख्याल।
भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। आर्मी पब्लिक स्कूल और मुस्तांग में भी हमले भारत ने कराए। कुलभूषण यादव दहशतगर्दी की प्लानिंग करता रहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जनरल असेंबली में खिताब। कहा भारत मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय दहशतगर्दी कर रहा है। मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। भारत हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कश्मीर का मसला आपके लिए नया नहीं है। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अब जो एक आप देख रहे हैं कि एक इजाफा बतदरीज होता जा रहा है, ये भी एक खुश आयन हमारे खित्ते के लिए खुश आयन बात है। मसले कश्मीर अकवामे मुत्तहिदा के लिए नया नहीं। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ नहीं देख रहा। नजरिए का तहफ्फुज़ करना जानते हैं। भारत सरहद पर कोई हिमाकत नहीं करेगा। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में बतरदीद बेहतरी आ रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर खारजा आज न्यूयॉर्क में आज जाएंगे, आखिरी रोज कल वाशिंगटन जाएंगे। अमरीकी हम मनसब पोम्पियो से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के वफ की पाकिस्तान आमद। वजारत खजाना के हुकाम से मुलाकात। सरमायाकारी के 5 समझौतों में दस्तखत मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए 8 से 10 अरब डॉलर का पैकेज जेरे गौर आएगा। लाहौर में 7 साला बच्ची फलक से ज्यादती का मुलजिम सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार। जान से मारने और इगदा की धमकियों की भी दफात भी मुकदमे में शामिल की जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हैदराबाद में अपनी बच्ची अरमेश को कत्ल करने वाली मुलजिमा शगुफ्ता सिविल कोर्ट में पेश। मुलजिमा 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। 13 साल पहले शादी हुई, ससुराल वाले मुसलसल सताते थे। मुझे तलाक देकर बच्ची को पास रखने की धमकी दी थी। मुझे दवाइयां खिलाई जाती थी। गलती ना करने पर भी माफी मांगनी पड़ती थी। ससुराल वाले शोहर से पिटवाते थे। मुलजिमा का बयान। कराची में अंधी गोली बच्ची की जान ले गई। 2 रोज पहले गोली लगने से जख्मी होने वाली अक्साब चल बसी। वालिदैन गम से निठाल। कराची में पानी का बहरान। करंगी के मकीन साफ पानी को तरस गए। कई कई रोज पानी नहीं मिलता। लोग महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। 7 लाख गंदे अंडे तल्फ कर दिए। अंडे बेकरियों बिस्किट तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को सप्लाई किए जाने थे। हारूनाबाद के नौसरबाज सपेरे खुद ही घर में सांप छोड़ते और फिर पकड़कर शहरियों से पैसे बटोरते। फ्रॉड का इंकशाफ सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ। गवर्नर हाउसेस में शहरियों के सैर सपाटे। लाहौर में फैमिलीज की बड़ी तादाद शाहाना इमारत देखने पहुंच गए। मरी और पेशावर के गवर्नर हाउसेस में भी शहरियों की आमद। इंडोनेशिया में जलजले और सुनामी से तबाहकारियां। हलाकतों की तादाद 832 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। कई इमारतों को नुकसान। मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ बारिश। आसमानी बिजली भी खूब कड़की। मक्का रॉयल क्लॉक टावर की इमारत से भी बिजली टकराई। बुरी कारकर्दगी ने रैंकिंग गिरा दी। बल्लेबाजों में बाबर आजम की 4 दर्जे तनजली। फखर जमान का 19वां नंबर। बॉलर्स में हसन अली की 7वीं पोजीशन। ऑलराउंडर्स में हफीज 5वें नंबर पर चढ़े गए। और कराची में फैशन वीक की रंगीनियां। हुस्न की बिजलियां गिराती बल खाती मॉडल्स के जलवे।